नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। मेष राशि, जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे मेष राशि की। चार महीने जो कि हमारे स्टार्ट होंगे मई से लेकर अगस्त तक, मई जून जुलाई और अगस्त की हम बात इस वीडियो में आज आपके साथ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तुरंत ले पाए। मई के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रह स्थितियां थोड़ी सी यहाँ चेंज होती हुई दिखाई देंगी और जिससे निर्णय जो है वो आपको लेने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन जो है इसमें असर आपका होता हुआ आपको दिखाई देगा। इस समय आप महत्वाकांक्षी जरूर रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश आप करते रहेंगे। जीवन इस समय जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ऑफेंसिव होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ज्यादा ही क्रोध की भावना जो है वो आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। शनि और बृहस्पति एक साथ वक्री होना मैं कहूंगा कि एक साधारण घटना जो है वो नहीं है, तो बहुत ज्यादा संभल कर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। शनि केतु से सप्तम भाव में राहु मंगल है और इस पर जो थोड़ी परिस्थितियां जो है वो आपके लिए कठिन जो है वो बनाती हुई दिखाई देंगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहने वाला है। अगर आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो आपका समय जो रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। महीने का जो पहला सप्ताह रहेगा वो अनुकूल रहेगा। राशि में भ्रमण करें सूर्य और बुध आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरा सप्ताह अनुकूल रहेगा लेकिन खर्चे जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। योजना बनाकर चलें तो बेहतर आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। महीने का जो तीसरा सप्ताह रहेगा वहां पर सूर्य और बुध जो है वो आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई देंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको खर्चों पर कंट्रोल तो फिर भी यहाँ पर करना पड़ेगा। महीने का जो अंतिम सप्ताह रहेगा वो तुलनात्मक दृष्टि से पूरे महीने में ठीक रहेगा, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हो चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन हो। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप विवाहित हैं मतलब आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं कहूंगा कि अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पर आपकी शादी के प्रबल योग बनते हैं और कहीं ना कहीं कुछ प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिलाकर पूरा जो महीना है वो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मिक्स बैग की। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो समय रहेगा आपके लिए मई का वो थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा और आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। जून की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। चलिए अब जून के बारे में जान लेते हैं कि जून हमारा कैसा रहने वाला है। देखिए जून का जो महीना है वो कहीं ना कहीं कामकाज की परिस्थितियों को थोड़ा जटिल बनाएगा। आपको काफ़ी सारा काम यहाँ पर करना पड़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे तो कॉम्पिटिशन यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जीवन में घात प्रतिघात आप देख सकते हैं वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। यह आपके एग्जाम का समय रहेगा। यहाँ ना केवल आपको शारीरिक थकान होगी बल्कि मानसिक क्षमताओं का भी परीक्षण यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के कारण आप इन सबको पार कर लेंगे। कहीं ना कहीं कानूनी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं लेकिन यहाँ बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपके लिए मदद करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक आपकी व्यवसाय की बात करूँ तो धन की उपलब्धता तो रहेगी लेकिन जितना पैसा आप कमाएंगे उतना आप खर्च भी कर देंगे। ये स्थिति पूरे महीने की आपकी बनती हुई दिखाई देगी। खासतौर से जो पहले दूसरे सप्ताह हैं उसमें खासतौर से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महीने का तीसरा सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज ज़रूर लेकर आएगा और लेकिन फिर भी चौथे सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा रिश्ते नातों की परख आपको करनी है और इस समय आपकी परख हो भी जाएगी क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके मुंह पे कुछ और पीछे कुछ हैं और वो आपकी ज़िंदगी में अभी भी शामिल हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मित्र अभी आपके लिए जान देते हैं क्या वह आपके साथ विपत्ति के समय खड़े रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको देखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना बहुत सही रहेगा लेकिन फिर भी इन्फेक्शन से बचें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए बात करते हैं जुलाई की। जुलाई 2019 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष रहने वाला है। स्थितियाँ दो महीने की जो रहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ख़राब रहीं। मैं कहूँगा कि हालांकि बहुत जनरलाइज्ड है जो विश्लेषण है, आपकी कुंडली क्या कह रही है वो देखना होगा उसके लिए, लेकिन फिर भी जो दो महीने का ट्रेंड रहा वो कुछ ज़्यादा विशेष जो है वो नहीं रहा। लेकिन अब परिस्थितियों में चेंज आ रहा है, स्थितियां आप अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यभार जो है अभी भी बढ़ा रहेगा, भागदौड़ बढ़ी रहेगी
और कंपटीशन जो है वो अभी बढ़ा रहेगा। भूमि भवन की अतिरिक्त आवश्यकता आपको पड़ सकती है, लेकिन माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर एक चिंता कारण बन सकता है और यात्राओं के योग बहुत ही ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी राय बनाएं और इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें। जुलाई का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें मान सम्मान और अपमान की स्थिति बनेगी, आपको ध्यान अभी भी रखना होगा, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें आप एक विनर बनकर ज़रूर निकलेंगे। युति जो है वो चार ग्रहों की है और जो कहीं ना कहीं उथल पुथल करने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर देख कर चलने की स्थिति आपकी रहेगी। व्यवसाय की दृष्टिकोण से महीना विशेष कहेगा क्योंकि शनि गुरु के साथ साथ बुध भी वक्री होंगे, तो प्रथम सप्ताह जहाँ साधारण जाएगा वहीं बुध ग्रह का वक्री होने के कारण आर्थिक घटनाक्रम विशेष हो जाएंगे। ये तीनों ग्रह मास के पर्यंत वक्री हैं, आपकी आर्थिक गणित को बदल कर रख देंगे। यदि आप व्यावसायिक संधियों में कुशल रहेंगे तो ये लाभ का महीना आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। आपकी भागीदारी के स्वामी शुक्र राहु ग्रह के साथ हैं, इसलिए भागीदारी के में आपको बहुत ज़्यादा मन पड़ने की आवश्यकता है। किसी पर आँख मूंद कर आप विश्वास ना करें तो बेहतर है। बृहस्पति अनुकूल चल रहे हैं और वह आपकी घटनाओं में पूर्वानुमान लगाने में मदद करेंगे, यानी कि आप दूरदर्शी होते हुए दिखाई देंगे, बट यह है कि कानून से पंगा ना लें तो बेहतर है, नहीं तो आपको संकट हो सकता है। जहाँ तक आपके निजी रिश्तों की बात करूँ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। शनि राशि में सप्तम भाव पर राहु और मंगल की दृष्टि सप्तमेश में शुक्र और पर शनि केतु की दृष्टि निजी संबंधों को बिगाड़ सकती है, आपको ध्यान देकर चलना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति आपके साथ हो सकती है। प्रबुलन यानी कि बनावटी चीज़ों में ना आए तो बेहतर रहेगा। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपकी हो सकती हैं, इस बात को आपको ध्यान जो है वो ज़रूर आपको देना होगा। यदि आप युवा हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और अपने काम पर फोकस करें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर तो हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी भी कुछ ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। चलिए अब अगस्त के बारे में बात करते हैं और अगस्त का राशिफल देखते हैं कि अगस्त में आपका कैसा जाएगा। देखिए महीने का जो पूर्वार्ध परिस्थितियों को आसान बनाएगा और अनुकूल बनाएगा और कुछ समस्याएं हल होने की स्थितियां बनती हुई आपको दिखाई देंगे, लेकिन आर्थिक संसाधन भी बढ़ेंगे। बृहस्पति देव 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और घटनाक्रम में तीव्रता से इससे आपको फायदा भी होगा। सभी ग्रहों का सामूहिक व्यवहार घटनाक्रम तेजी से होगा और जिससे आपको चीज़ें जो खराब रहीं पिछले दो तीन महीनों से वो आपके यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होती हुई दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम है वो बढ़ता हुआ दिखाई यहाँ पर देगा और यहाँ पर जनसंपर्क तेजी से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपकी कार्य पद्धति में परिवर्तन आएगा। शनिदेव अभी भी वक्री हैं और कहीं ना कहीं अधिक परिश्रम चाहते हैं। शनिदेव ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर निर्णायक लें और रिस्क लें जिससे आप आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर पाएँ। व्यवसाय दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा जाएगा। वहीं आपकी जो पैसे लॉस हुए थे वो आपको काफ़ी अच्छे से मिलेंगे। मंगल अब शक्तिशाली राशि में होंगे जो आपको आर्थिक लाभ देंगे और आप कठिन कार्यक्रम भी करेंगे और कहीं ना कहीं कामयाब भी होंगे। राशि से छठे भाव का स्वामी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि शत्रु छुपे रूप में कार्य करते रहेंगे, पीछे से वार कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। भागीदारी में आई हुई कठिनाइयाँ आप धीरे धीरे दूर होंगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में हुई वो अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और परिस्थितियों में काफ़ी हद तक परिवर्तन आएंगे। अब नौकरी और व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं अचानक धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। महीने का चौथा सप्ताह आर्थिक रूप से अनुकूल रहेगा। 25 अगस्त के आसपास बृहस्पति बुध और मंगल नीच नवांश में चले जाएंगे, इससे आर्थिक आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीठा मीठा बोलेंगे, आपको स्वास्थ्य आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जहाँ तक रिश्ते नातों की आपके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना है और व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा और कुछ लोग आपके परीक्षण पर खरा भी उतरेंगे। इस समय भाग्य बल और व्यवसाय का लाभ होगा और नौकरी भी करते हैं तो आपकी स्थितियाँ सही रहेंगी, दाम्पत्य जीवन आपका सही चलेगा, स्वास्थ्य आमतौर पर आपका सही रहेगा। जो बड़े लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं या कहूँ बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मंगल अभी अस्त है तो इसलिए ब्लड प्रेशर की समस्या भी आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन आपको आने वाले महीनों के बारे में मैंने बताया। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके और अपना एनालिसिस कराने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे अन्य राशियों के बारे में। थैंक यू।